Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhir ragli, and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Haryana aur Aisha Malik hai, aapke saath, aapka hamara saath rehta hai every Monday to Saturday. Sub 11 baje se lekar dopahar 1 baje tak, and the show is called Talk of the Town. So, aaj Lahore ki jo barish hai, Lahore ki jo sadke hai, Lahore ki jo traffic hai, oh my god, I can't tell you. Ye jo mujhe thodi si deri hui hai, wo isi wajah se hui hai, and I होप कि आप ट्यून इन करके बैठे होंगे या खड़े होंगे या ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त या ऑफिस में हैं, घर में हैं, किसी भी सूरत हाल में हो सकता है. आज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम को मेक श्योर करें, क्योंकि जाहिरी सी बात है बारिश बहुत शदीद है और फजर के टाइम से बारिश हो रही है और बारिश का जो एक शिद्दत का एहसास सब लोगों को हो रहा होगा और अब मौसम के बदलने का भी एक जो एहसास है वो हमें फील हो रहा है. सो जनाब, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं. सबसे पहले तो बात यही है कि बारिश का मौसम है, बहुत सारे लोगों के प्लान्स होंगे, डिफरेंट प्लान्स को आप मेक श्योर कर रहे होंगे कि चलो आज कुछ खास एहतमाम किया जाए खाने पीने के हवाले से. वैसे भी लाहौरियों की बात अगर हम करते हैं तो लाहौरियों का एक मामला है कि वो हमेशा खाने पीने के हवाले से हमेशा रेडी रहते हैं. चले, अच्छा है, आज मौसम अच्छा है और मौसम का तकाजा भी है, लिहाजा जब कभी हालातों वाकियात का तकाजा होता है तो उसको वैसे कर लेना चाहिए जैसा माहौल बनता है. सो फिलहाल प्रोग्राम में एक जबरदस्त ट्रैक और आगे चल के कुछ बातें और कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन, मुझे कहते हैं आयशा मलिक. All right, welcome back once again. 12:02 on the dial और मुलाकात आपके साथ जारी है. सारी well जनाब, आज चूंकि मौसम का जो हाल अहवाल है वो तो सबको ही पता है और इस वजह से बहुत सारे लोग अपने कामकाज को लेके परेशान भी हो रहे हैं. सो जब से कोविड का जब सीन स्टार्ट हुआ था तो तब एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज वर्क फ्रॉम होम, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अब अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सहूलत में हैं और बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं या कंपनीज हैं जो इस चीज को अभी भी फॉलो कर रही हैं. सो चले, अच्छा है अगर इस मौसम में आपको ये सहूलत मिली है कि वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं और आप का काम का हर्ज भी नहीं हो रहा और आपको सहूलत भी मिल रही है. सो जनाब, कनाडा में चूंकि आपको पता है कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलविस है, इस हवाले से जो कनेडियन वजीर आजम है वो ये कह रहे हैं और कनाडा के कुछ जो हालात हैं वो भी कल के शो में मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ. सो लेट्स सी इस हवाले से और क्या अहम अपडेट आती है. बट ये चीज तो कंफर्म है कि जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके सरबराह को मुल्क बदर कर दिया जाना चाहिए. वैसे कनाडा ने तो कर दिया है. हाँ बिल्कुल, कनाडा ने कर दिया है. ओके जनाब, इसके अलावा जनाब वो लोग जो पेट्रोल को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, मुश्किल में हैं, और आज पता नहीं मेरा क्यों जनाब निकल रहा है. खैर, कभी कभी हो जाता है, शायद मौसम का असर है. सो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो वजूहात है उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से सामने आ चुकी है. अच्छा, जो अंदर की बात है वो तो हम सबको ही पता है, लेकिन खैर क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते. खैर, वो लोग जो जरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी ज्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं, सो उनको बताती चलूं कि डीएनए कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बरपा कर देगा. इस हवाले से जरा मैं डिटेल आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी. और चूंकि आपको ये भी पता है कि शाहीन
आफरीदी और अनशा आफरीदी की शादी एक्सपेक्टेड है और ये कंफर्म था कि एशिया कप के बाद इनकी शादी इनकी बल्कि रुखसती हो जाएगी. सो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इनकी शादी का चर्चा है और इनकी मेहंदी की जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं. सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस नए जोड़े के लिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं. सो दिल से जो दुआ निकलती है वो मेरा ख्याल है कि उन तक डेफिनेटली पहुंचेगी और असर तो डेफिनेटली रखती ही है दिल से निकली हुई दुआ. सो सबसे बेहतरीन एक गिफ्ट हम अगर किसी को दे सकते हैं वो खलूस से दिल की दुआ होती है. और बस यही कि यार जितनी भी बेटियां हैं अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे, ये सबके लिए बेहतरीन दुआ हो सकती है. ओके सो इसके साथ साथ जरा हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर की. सो मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल दी है. ओके चले देरा दुरुस्त आए. ओके जनाब इसके अलावा कुछ जरा बात कर लेते हैं. मछली खाने से पुरसरार तौर पर खातून के हाथों और पांव जाया हो चुके हैं. ओके स्ट्रेंज. चलिए आगे चल के बात करेंगे बट अभी के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है और काफी दिनों के बाद प्ले कर रही हूं. सो आपने अगर कोई खास एहतमाम किया है चाय पानी कॉफी कुछ भी तो शो भी सुनते रहे और उस एहतमाम के साथ यू नो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते रहे थ्रू 4471. और बाय द वे अभी एक ट्रैक आपके लिए प्ले करूंगी और इसके बाद आपको करूंगी ज्वाइन. मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी. सो अगर आप शेयर करना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से कोई खास बात या आज के मौसम को लेकर कोई खास थॉट तो शेयर कर सकते हैं 4471 पर. ओहो तेरी याद में हुआ मैं आधा आधा. वेलकम बैक. वेल ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि आप किसी को इतना ज्यादा याद करें कि आप पूरे से आधे हो जाए. अगला बंदा क्यों नहीं आधा हो सकता. देखो होना चाहिए ना कि आप की वर्थ आपकी वैल्यू उसके आगे इतनी हो कि वो भी उसी शिद्दत के साथ आपको मिस करे जिस शिद्दत से आप उसको मिस कर रहे हैं या आप उसके बारे में सोच रहे हैं. सो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है तो सम हाउ आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि यार कभी कभी बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो उतना नहीं कर पाते जितना आपकी तरफ से होता है और फिर अपसेट भी आप ही होते हैं डिस्टर्ब भी आप होते हैं. लेकिन एक बात है जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतने ही सच्चे और खरे दिल के साथ दूसरों को मिलता है. और अगर आपकी नीयत नेक है तो दूसरों से सिला क्यों मांगते. आपको तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर देना चाहिए क्योंकि जो सिला अल्लाह की ज़ात दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता. और जब आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है ना ट्रस्ट मी फिर आपको ये छोटी मोटी चीजें फील नहीं होती. आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आपको बस ये पता चलना चाहिए कि आपके अंदर से जो चीजें निकल रही हैं वो सही हैं और उससे किसी का नुकसान नहीं है. जब किसी का नुकसान नहीं है ना तो मेरा ख्याल है कि आपको कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता. सो बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आपके बहुत बेहतरीन दोस्तों में से एक होंगे और नो डाउट वो नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो. हमेशा कोशिश में होते हैं कि आपका भला ही हो. आपको कहां से किस तरह से कोई अगर मुश्किल है तो निकाला जा सकता है. सो ऐसे लोगों का होना जिंदगी में ब्लेसिंग से कम नहीं है. सो मेरे बहुत 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 दोस्त जो मेरी जिंदगी में हैं सो उनके लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना नाज़िया हसन का प्ले करना चाहूंगी. डेफिनेटली मौसम भी अच्छा है और दोस्तों के साथ अगर मुलाकात हो जाए दोस्तों के साथ बातचीत हो जाए या दोस्तों के साथ एक कनेक्शन हो जाए तो यू नो सोने पर सुहागे वाली बात होती है. सो मौसम वाला तो सॉन्ग मैंने नहीं प्ले किया लेकिन हाँ मौसम वाला गाना भी मैं प्ले कर सकती हूँ. कोई मुश्किल नहीं है कोई परेशानी नहीं है बट ये है
कि अभी मेरे दिमाग में यही गाना आया और मुझे लगा है कि यार ये बेस्ट सॉन्ग है मेरे दोस्तों के लिए, और स्पेशली वो दोस्त जो मेरे लिए अनकंडीशनल है, मतलब जी जान के वो हर वो कोशिश करते हैं कि जिससे मुझे अच्छा लग सके या मैं प्लीज हो सकूं या अच्छा फील कर सकूं. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. सो इस गाने को जरा फील करें मेरी तरफ से और एंजॉय करें. All right, welcome back. 12:18 on the dial. और कंप्यूटिंग की दुनिया में जनाब डीएनए कंप्यूटर की एक जो नई कह लें कोशिश है या एक जो नई ऐजाद है वो सामने आई है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और डीएनए की मदद से हार्डवेयर तैयार किया जाता है और डीएनए खुद को सर्किट्स में जमा करके कंप्यूटिंग अंजाम देता है. और बेसिकली चीन में ये जो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मामला है ये काफी ज्यादा तजुर्बात के बाद सामने आया और इस पर अब जो माहरीन है जो टेक एक्सपर्ट्स हैं सो वो इस टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी ज्यादा होपफुल है और उनके अकॉर्डिंगली ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बरपा कर सकती है ये चीज. ओके सो मतलब आप ये सोचें कि कभी क्या सोच सकता है इंसान कि कंप्यूटिंग की दुनिया में बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से कंप्यूटर का जो एक सिस्टम है हार्डवेयर जो है उसको तैयार किया जा सकता है और उसके साथ जो एक टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है उसको मेक श्योर किया जा सकता है. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरा ख्याल है कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी ज्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली. सो माया कंप्यूटर डीएनए के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इस्तेमाल है इस्तेमाल करते हुए 100 बिलियन से ज्यादा मुख्तलिफ सादा जो प्रोग्राम है वो ये चला सकता है और इसमें कैपेबिलिटी होगी इस चीज की. ओके सो ये एक काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है और मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो लोग जो काफी ज्यादा कंसर्न्ड रहते हैं और उन्हें लगता है कि कोई ना कोई नई चीज एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए. सो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों के लिए. ओके सो इसके अलावा कुछ और भी मजीद अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. अभी के लिए एक ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब वी टॉक अबाउट नीपा वायरस जो कि केरला में काफी ज्यादा इसके केसेस सामने आए हैं और इनफैक्ट केरला स्टार्ट्स मास टेस्टिंग आफ्टर आउटब्रेक इन इंडिया. सो इस हवाले से जरा डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो जनाब ये काफी ज्यादा मोहलिक वायरस है जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और तकरीबन 700 से जायद अफराद मुतासर हैं. और इनफैक्ट केरला में निपा वायरस की वजह से जो निज़ाम जिंदगी है वो बहुत बुरी तरह से मफलूज होकर रह चुका है. स्कूल्स ऑफिस सब बंद है और इनफैक्ट ये जो मोहलिक वबाई वायरस है इसके फैलने के बाद भारतीय जो माहरीन है वो अब तक वायरस फैलने की वजह मालूम करने में नाकाम रहे हैं. बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निपा वायरस से अब तक जो अफराद हलाक हुए हैं उनकी काफी ज्यादा काउंटिंग है बट उसका जो डिजिट है वो सामने नहीं आया, जबकि 700 से ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं और वो इलाके जहां पर कह लें कि बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं सो वहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है. और WHO के मुताबिक ये वायरस जानवरों खुसूसन चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है और WHO की
जो रिपोर्ट है इस हवाले से उसके मुताबिक इस वायरस के हवाले से जो अवेयरनेस है वो भी क्रिएट की जा रही है, बट वायरस इंतहाई मोहलिक है और तकरीबन 45 डेज के निशानियों पर मुश्तमिल होता है. सो पिछले 5 बरस में निपा वायरस के फैलने वाली जो ये वबा है, ये बेसिकली तीसरी वबा है, इसकी थर्ड वेव है और होपफुली अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया. तो उम्मीद है अब काबू पा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुतासिर हो रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे अपने प्यारे हैं जिनको खो चुके हैं. बहुत सारे लोग इसकी वजह से जो एक निजामे जिंदगी है वो उनका साकित होकर रह चुका है, चाहे स्कूल्स में जाने वाले बच्चे हैं या ऑफिसर्स में काम करने वाले लोग हैं या इवन वो खवातीन जो बाहर काम के लिए निकलती हैं ताकि अपने घर बार को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकें. सो उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. एंड आई होप कि इस वायरस WHO ने तो कहा है कि ये चमगादड़ों से फैलने वाली वबा है, बट अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कोई इसकी हतमी रीजन नहीं सामने आई कि इसकी क्या बेसिकली वबा की रीजन है. ओके सो अभी प्ले करूंगी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद डेफिनेटली करूंगी आपको जो इन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय, इन गानों की भी एक अलग वाइब है. सीरियसली 90s के एरा के जो सॉन्ग्स हैं, 90s के एरा के जो आर्टिस्ट हैं, 90s के एरा का जो काम है वो आज भी बोलता है, आज भी उस काम में जान है. और बहुत सारे वो लोग जो 80s और 90s के एरा को उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय किया है, सो आई एम श्योर कि वो इस चीज का जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूं. सो बाय द वे वो लोग जो वेदर के हवाले से आ चुके, थोड़ी सी ज्यादा बात हो रही है वेदर को लेके. जाहिर सी बात है मौसम ऐसा है तो वेदर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी. सो जरा देख लेते हैं वेदर अपडेट में मौसम का हाल अहवाल. दिल का हाल तो अच्छा ही होगा आई एम श्योर. अगर अच्छा नहीं है और किसी ने अच्छा ना करने की कोशिश की है और आप उस कोशिश में उसको कामयाब होने दे रहे हैं, सो यहां पर आपका फॉल्ट है, यहां पर उस इंसान का फॉल्ट नहीं है, ज्यादा फॉल्ट आपका ही है. सो जनाब, इस्लामाबाद में आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. लाहौर में बारिश आज पूरा दिन रहने वाली है और इनफैक्ट आज बहुत सारी सड़कें बन रही हैं लाहौर की और कहा यह जाता है कि लाहौर की सड़कों पे पानी नहीं जमा होता, पानी नहीं खड़ा होता और लाहौर की सड़कें तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं. सारी बातें सही है लेकिन पानी उन सड़कों पे बहुत ज्यादा जमा है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और स्पेशली अगर आप जौहर टाउन के एरिया से आ रहे हैं या आप शाहदरा के एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि ये दो जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत सारे लोग इस चीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है वहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं ट्रैफिक को लेकर. सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा. आज वैसे मैं तकरीबन पहले मैं आधा घंटा पहले घर से निकलती हूँ, आज मैं घंटा पहले घर से निकली हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा. और इनफैक्ट हमारा जो प्लाजा है, जो हमारा ऑफिस है, उसके बाहर भी बहुत ज्यादा शदीद पानी है. जो सर्विस रोड है इतना शदीद पानी है कि बस आप अंदाजा लगा सकते हैं. सो अल्लाह करे कि बारिश होती रहे, बट यू नो ये पानी वाला जो मामला है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है. जिस तरह जाहिर सी बात है मैं परेशान हुई हूँ, हालांकि अपनी सवारी पे आना और बड़े सुकून से आना, लेकिन इसके बावजूद अगर परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इस मामले में दिक्कत हो रही होगी. सो बात कर रहे थे हम लाहौर के वेदर की. सो लाहौर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 30 डिग्री और मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 99%. और आज ही नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड है कि कल का जो दिन है वो भी जरा मौसम अच्छा और प्लेजेंट रहेगा, पार्टली क्लाउडी वेदर
और लेट्स सी कल जब होगा तो पता चल जाएगा. सो सियालकोट में आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 75%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में हाल चाल हो गया. आई एम श्योर आपकी चाल बिल्कुल बेहतर होगी, बेहतरीन होगी. अगर कोई इस वक्त अपने हाल चाल में बेहतर फील नहीं कर रहा तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत 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 ज्यादा दुआएं और अल्लाह करे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए. और मौसम के भी असरात हैं, आप फील कर रहे होंगे बार बार मुझे गला जो है वो साफ करना पड़ रहा है. सो मुझ पर भी मौसम के असरात हैं और ट्रस्ट मी मौसम अच्छा है लेकिन इस मौसम में बहुत सारी एहतियातें हैं जिनको मेक श्योर करने की जरूरत है. अगर आप इनका ख्याल रख लेंगे तो आप इस मौसम के असरात से बच जाएंगे इंशाल्लाह. ओके, सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, बहता दरिया लाहौर की सड़कों में तो वाकई में बहता दरिया वाला ही मामला है, सूरत हाल कुछ ऐसी ही है. और इनफैक्ट लाहौर की जो किनाल है उसकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है. पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक आया हुआ है और इनफैक्ट किनाल रोड एक वाहिद रोड है जहां पर पानी नहीं जमा होता, लेकिन वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा है. सो प्लीज आज के दिन में बहुत एहतियात करें क्योंकि आज थ्रू आउट द डे बारिश है और कोशिश करें कि अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है घर से या ऑफिस से तो आप जरा पूरा बंदोबस्त करके निकलें. सो जनाब मुलाकात अब होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल अच्छे मूड और मिजाज के साथ इंशाल्लाह, होपफुली. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान एंड खुदा पामान. दिस इज मेरा FM 107.4.